बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। पहले आपने एक व्यंजन सीखा था, व्यंजन च। च व्यंजन के बाद एक व्यंजन आता है व्यंजन छ। ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन छ। तो आज हम छ व्यंजन सीखेंगे। सबसे पहले हम छ व्यंजन से शुरू होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे और फिर हम छ व्यंजन को बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करें। ये है छ, छ। अब हम छ व्यंजन से शुरू होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। अरे वाह, ये क्या है? ये है छड़ी, दादाजी की छड़ी। छ से छड़ी, छ से छड़ी। ये क्या है? ये है छत, छत। छ से छत, छ से छत। अरे वाह, ये है छाता, छ से छाता। छाता को और हम क्या बोलते हैं? छतरी। छ से छाता, छ से छतरी। तो बच्चों, अब आपने छ व्यंजन से शुरू होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखा। अब हम छ व्यंजन को बनाना सीखेंगे। वाओ, ये है व्यंजन छ, छ। चलिए छ व्यंजन को बनाना सीखते हैं। छ व्यंजन जो है आपको दूसरी लाइन से बनाना शुरू करना है। सबसे पहले आप एक बनाएंगे छोटा सा कर्व। अब इस कर्व को आगे ले जाते हुए हम एक और बड़ा कर्व बनाएंगे। फिर इस कर्व को हम ऐसे क्या कर देंगे? राउंड। अब हम इस राउंड के ऊपर एक डंडी बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। फिर हम इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक और डंडी बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। और ये क्या बन गया? हमारा व्यंजन छ। चलिए इसे फिर बनाते हैं। छ व्यंजन आपको दूसरी लाइन से बनाना शुरू करना है। सबसे पहले आपको एक छोटा कर्व बनाना है। फिर आपको इस कर्व को आगे ले जाते हुए एक और कर्व बनाना है। फिर इस कर्व को ऐसे राउंड करेंगे। फिर इस राउंड के ऊपर आपको एक छोटी सी डंडी बनानी है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। फिर इस डंडी के ऊपर आपको एक और डंडी बनानी है जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। चलिए इसे फिर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा कर्व बनाएंगे। फिर हम इस कर्व को आगे ले जाते हुए एक और बड़ा कर्व बनाएंगे। फिर इस कर्व को हम ऐसे राउंड कर देंगे। फिर हम इस राउंड के ऊपर एक छोटी सी डंडी बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। फिर हम स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक और डंडी बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। तो बच्चों, ये क्या बन गया? ये बन गया छ, छ। तो बच्चों, आज आपने सीखा व्यंजन छ। कौन सा व्यंजन सीखा? व्यंजन छ। अब आपको छ व्यंजन की प्रैक्टिस अपने घर पे करनी है। ओके।